श्री कौशिक नहीं मान दे चाहिए, 1000 में दम नहीं, 25000 से कम नहीं। इस नारे के साथ सभी आशा कार्यकर्ताओं को सरकारी सेवक घोषित करने एवं पेंशन निर्धारित करने सहित 9 सूत्रीय मांगों को लेकर आशा का अनिश्चितकालीन हड़ताल शनिवार को बिरोल सामुदायिक अस्पताल के समक्ष आशाकर्मी अपने राज्यव्यापी आह्वान के तहत हड़ताल पर डटी है। इस दौरान अस्पताल के मुख्य द्वार को बंद कर आशा कर्मियों ने धरना दिया। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को परितोषित नहीं मासिक मानदाय समेत आशा को राज्य कर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि आशा कार्यकर्ताओं व फैसिलिटेटरों को मांग जायज है, इसे अविलंब सरकार पूरा करे। जब तक सरकार हमारी मांग पूरा नहीं करेंगे, हम लोग का संघर्ष इसी तरह जारी रहेगा। सरकार अविलंब हम लोगों की मांग पूरा करे, नहीं तो अस्पताल में शुरू हुआ आंदोलन सड़क पर तेज होगा। वहीं इस मौके पर आशा रीता भारती, पूनम कुमारी, बैबी कुमारी, भारती कुमारी, ममता कुमारी, नंदनी कुमारी, नंद कुमार देवी, सीलम देवी, अंजू देवी, नीरो देवी, रेनू देवी, रीना कुमारी, महारानी कुमारी, उषा कुमारी, रेखा देवी, किरण कुमारी, परमिला कुमारी, ममता देवी, सोनी कुमारी सहित 2 दर्जनों से अधिक आशा कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। हम लोग को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और हम लोग को मानदेय जो मिल रहा है 1000 मिल रहा है, उससे हम लोग को प्रोत्साहन राशि हम लोग को दिया हो रहा है। सरकार जो भी पैसा देते हैं 2000 या 1000, उसमें भी हम लोगों से बढ़वा के लिया जाता है। कौन लेता है? जहाँ पे फैसिलिटेटर के माध्यम से पीएचसी में जाता है, बीसीएम लेते हैं, बीसीएम और मैनेजर भी लेते हैं, जो भी लेते हैं, तो हम लोगों को आधा शोषण बंद करा दिया जाए, क्योंकि जो भी पैसा हम लोगों को मिलता है वो हम लोगों को खून करके दिया जाता है। अगर पैसा नहीं देते हैं तो मानदेय बंद कर दिया जाता है। आप बताइए ये कहाँ का इंसान, ये कब तक लड़ाई कर लड़ती रहेगी? आशा अपना कमा करके किसको दान देती है? बताइए, मेरा बच्चा भूखे रहता है, हम घर में हमारे लिए गैस नहीं है, पैसा नहीं है, अनाज के लिए कुछ भी, सरकार अनाज ही ना देती है तो क्या उसको ऐसे ही फाटेंगे? हम लोग उसको खर्च करेंगे सही से? आप लोग सही से खाते हैं, हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है। ये आशा शोषण जब तक बंद नहीं करेगा, हजारों आशा खून हो रही है, सब परेशान हो रही है, घूस दे दे देते चुपिया। प्रणाम करती हूँ हम लोग सभी आशा और सभी आशा बहन की तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को ये शोषण बंद करवा दिया जाए, जो पैसा दे दिया जाए सॉलिड दिया जाए और सही से दिया जाए कि कहीं भी कोई भी अड़चना ना हो। हम तो करने वाला है नहीं, 1000 से कम नहीं, 25000, 1000 में दम नहीं, 25000 से कम नहीं। और ईमानदेह मतलब माननीय जो है मतलब मोदी सरकार और नीतीश सरकार, ये दोनों को हम आग्रह करते हैं, हम सबको मतलब इतना मेहनत करते हुए हम सबको 1000 से क्या होने वाला है? वो तो 1000 रुपया अभी जो है लेबर उनको भी मिलता है, रोज मिलता है, हम लोग सबको 1000 महीना में क्या है? कुछ नहीं है। कोरोना में काम करा लिया सरकार, हम लोग ने मास्क दिया, ने सैनिटाइजर दिया, सारे लोग जिस कोरोना के लोग डर से दूर भागते, हम लोग कोरोना में काम किया, उनको भी पैसा हम लोगों का आज तक नहीं मिला। और काम करने के लिए मौत के कुआं में गिरने के लिए सबसे आगे आशा रहेगा, सब आशा का शोषण बंद करेगा, हम लोगों का आशा का शोषण बंद करेगा, सब कुछ के लिए आशा है तैयार, सब कुछ। इतना हॉस्पिटल जो बन गया, सरकार आपसे क्या क्या काम लेती है? हमसे सारा काम हम आशा से लेते हैं, टीकाकरण सारा चीज तो आशा से लेते हैं। रीना कुमारी, क्या मामला? हम लोगों का मामला है जो हम लोगों का आशा सरकार बहाली किया है प्रोत्साहन राशि के लिए, हम लोग काम नहीं करेंगे, क्योंकि 1000 अगर हम लोगों को नीतीश सरकार राज्य सरकार देते हैं और 1800 रुपया हम लोगों का केंद्र सरकार देते हैं, हम लोगों का इतना 2500 रुपया में परिवार चलेगा? हम लोग दूर दूर से आते हैं, 100-100 रुपया रोज किराया लगता है, 200-200 रुपया हम लोगों का किराया लगता है, 200 रुपया किराया मान लीजिए 30 दिन का महीना में 700 रुपया तो हमको भारे लग गया। हम लोगों का सरकारी कर्मचारी मानता दिया जाए, हम लोगों का 25000, हम लोगों का मोदी और योगी से प्रार्थना, मोदी और नीतीश कुमार से प्रार्थना है जो हम लोगों का मानदेय दिया जाए। धरना पे बैठे हुए हैं? कब से धरना पे बैठे हुए हैं? हम लोग सब 13 तारीख से बैठे हुए हैं।
17 से 17 तारीख से।